तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे हम भी अपने YouTube वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस है उसको चेंज कर सकते हैं काइन मास्टर की हेल्प से, एंड देन जब हम उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे क्या इसमें आगे चलकर हमें मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत आने वाली है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको चेंज करते हैं काइन मास्टर की हेल्प से या किसी भी नेक्स्ट ऐप से, तो गाइस आपको मोनेटाइजेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया, आज की इस वीडियो में आपको अपनी ही वीडियोस एक एडिट करके दिखाऊंगा, उसकी वॉइस को एडिट करके दिखाऊंगा, कैसे आप भी अपनी यूट्यूब वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस है उसको एडिट करके अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, इसमें आगे चलकर आपको मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने तो गाइस नीचे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, तो गाइस आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। तो गाइस आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। जी हाँ गाइस, मैंने आपके सामने काइन मास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। तो गाइस आपको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने हैं। जी हाँ गाइस, आपको क्लिक करने के बाद 16:9 का ही रेशियो रहने देना है। तो गाइस यहाँ से आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से मैं किसी एक वीडियोज को लेकर आपको दिखाने वाला हूँ जिसकी मैं आपको ओरिजिनल वॉइस को चेंज करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस आपने ऐसे वीडियोस पर क्लिक कर देना है। तो वीडियोस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आप एडिटिंग एक्स्ट्रा एडिटिंग करते हैं तो गाइस वो आपको कर देनी है, जैसे कि मैंने आपके सामने कर दी एडिटिंग। तो गाइस एडिटिंग करने के बाद अब आपको जो वॉइस चेंज करनी है, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी अपनी ओरिजिनल वॉइस को 2 मिनट के अंदर अंदर काइन मास्टर के एप्लीकेशन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूबर्स के होते हैं शुरू शुरू में उनकी वॉइस कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है और बाद में उनकी जो सिंपल वॉइस आती है, तो गाइस उससे आपको कैसे करनी है। तो गाइस जैसे कि मान दो मैंने तक वॉइस को पहले चेंज करना है, तो गाइस मैंने एक बार वीडियोस पर क्लिक करना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद मुझे कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस कैंची के आइकन पर क्लिक करने के बाद मुझे स्प्लिट का ऑप्शन करना है, यानी कि वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो गाइस हमने कर दिया डिवाइड। तो गाइस अब हमें मान के चलो कि इस वीडियो की जो वॉइस है ओरिजिनल वॉइस है उसको चेंज करना है। तो गाइस हमने इस वीडियो पर एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहां से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो गाइस ऑप्शन को आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो गाइस आपको यहां पर एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन आएगा काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। तो गाइस अगर आपको ये ऑप्शन नहीं तो आप अपने काइन मास्टर को प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर लेंगे। तो गाइस आपको 100% ये ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो गाइस आपको वॉइस चेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां पर आपको बहुत सारे मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आपको वॉइस को चेंज कर सकते हैं। टू फेस्ट आ गया, एलियन आ गया, चिंपुंक आ गया, कोरस आ गया, कंफ्यूजन आ गया, ग्रोल आ गया, मॉन्स्टर आ गया, बैड गाई आ गया। तो गाइस मैं आपको बता दूंगा अक्सर जो लोग हैं वो यहां पर यही मैन वाली चूज करते हैं जिससे आपको जो उनकी वॉइस को चेंज लगती है। तो गाइस यहां से आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि वुमेन की रख दूंगा, तो गाइस आप वुमेन की रख सकते हैं। आपने देखा जैसे कि मैंने वुमेन्स की रखी, तो गाइज आप किसी की भी रख सकते हैं, वाट एवर मैं आपको यहाँ पर वॉइस कम करके रखूंगा। तो गाइज आप यहाँ पर किसी एक की भी वॉइस रख सकते हैं, जैसे कि आपने इतनी सारी पर रखे, तो गाइज आपकी यहाँ पर आ गई वॉइस आपकी चेंज हो गई इतनी सारी को। तो गाइज उसके बाद आप चलेंगे, इसके बाद आपकी जो ओरिजिनल वॉइस हो अब अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं, तो गाइज आपको उस वीडियोज पर क्लिक करना है। वीडियोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, तो गाइज यहाँ पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको फिर वॉइस चेंजर का ऑप्शन आएगा। तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद अक्सर जो यूट्यूबर वो सियाचिन इन चुमकुम पर रखते हैं जो कोई ऑप्शन है, तो गाइस आपको इस पर रखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वॉइस को और एडिट करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से आपकी वॉइस एडिट होगी, तो गाइस आप चाहते हैं कि यानी कि इसके बाद में थोड़ी और प्रोफेशनल लेवल की जो वॉइस चेंज करूं, तो गाइस आपको कैंची के आइकन पर जाना है, स्प्लिट करना है, वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपको, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें मैं थोड़ी आवाज को जो लाउडेड करूं, यानी कि तुम्हारा थोड़ा एक मैच्योर मतलब लगे कि अगले को एक मैच्योर यूट्यूबर है, तो आपको मैं गाइस आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको मिक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से पिच को थोड़ा लाउडली करना है, इससे जो आपकी वॉइस है थोड़ी लाउडली लगेगी, यानी कि मैच्योर लड़के की लगेगी। अगर आपको यहां से कम कर देंगे आपको एक छोटे बच्चे की तरह आवाज लगने लगेगी। तो गाइस आपको इस पिच के ऑप्शन पर थोड़ा यहां से लाउडली कर देना है। तो गाइस यहां से अगर लाउडली कर देंगे तो अगले यूट्यूबर्स को लगेगा नहीं हाँ कोई बड़ा यूट्यूबर बात कर रहा है। तो गाइस इससे आपको पिच को हमेशा प्लस में ही रहने देना चाहिए। तो गाइस यहां से आपको आ जाना है बैक। यहां से बैक आने के बाद आपको जो मैंने बाकी प्रोसेस बताया वही आपको यहां से करना है। इतना करने के बाद आप मानते हैं कि लास्ट में मुझे थोड़ी और वॉइस चेंज करनी है, तो गाइस आपको फिर यही इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको अपनी जो वीडियोस पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां से आपको स्क्रॉल डाउन करते जाने यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस चेंजर का, तो गाइस आपको फिर क्लिक करना है। यहां से आपको जो मर्जी आप मतलब वो फीचर्स आप सुन के आराम से जो आपको अच्छी लगती है आप वही सा ऑप्शन रख के आप अपनी वीडियोस को इजीली वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जब भी आप अपने YouTube वीडियोस की वॉइस यहां से चेंज कर देंगे, तो गाइस चेंज करने के बाद आपको सिंपल सा यहां प्रोसेस आता है एक्सपोर्ट का। तो गाइस आप इजीली यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहां से अपनी वीडियोस को HD क्वालिटी में इजीली यहां पर आपको सेव एज वीडियो इजीली
डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहां से डाउनलोड करने के बाद इजीली आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके मतलब आपको कभी भी कोई मोनेटाइजेशन में दिक्कत आने वाली नहीं है। तो गाइस ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई